बस से छोड़ दो यहाँ से। हाँ, हमारे बीच में आ गए राजवर्धन राठौर जी, बहुत बहुत बोले भारत माता की। इधर से रस्ते छोड़ दो भैया, रस्ते छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे राजवर्धन राठौर जी बीच में पहुंच गए। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन करना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में बहुत बहुत हमारे बीच में जोरदार तालियों से मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन जी वीना रघुवंशी जी से, क्योंकि वो भी राजस्थान से हैं, आपके बीच में हमारी महासचिव है, और आदित्य सक्सेना जी पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। आदित्य सक्सेना जी आ जाए पगड़ी पहनाकर, हमारे जो आन बान शान कर यहाँ पर आपके बीच में राधा जी सखी गार्डन से अपनी 100 जितनी भी महिलाएं लेके आई उनका स्वागत है सखी गार्डन झुकियों से। और हमारे बीच में चौधरी देविंदर जी, मैं निवेदन करूँगा कोटला गांव से वो भी आए हैं, वो भी स्टेज पर आ जाए, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। हमारी महासचिव है साई सेना संस्था की आदित्य सक्सेना जी से मैं निवेदन करूंगा, वो भी पटका पहना के स्वागत करेंगे। हमारे जो विशेष अतिथि जी हैं हमारे बीच में आ गए हैं, पृथ्वीराज जी हिमाचल से भी आए हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्सियां कम पड़ रही है, कुर्सियां और मंगाई जा रही है, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राम खिलाड़ी यादव जी उपाध्यक्ष है, उनका भी पटका पहना के स्वागत करेंगे। आदित्य सक्सेना जी, नवीन गुप्ता जी है, प्रेम गुप्ता जी कृपया मंच पर आते रहे। भैया देखो भीड़ बहुत है, और मैं चौधरी राजू गांव चिल्ला से आए हैं, उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। और चौधरी अजय सिंह नंबरदार, हमारे युवा साथी, आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, आपने मुझे सुनने का एक अवसर दिया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। बड़ी बात की छोटी बात, मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बना रहे? देखिए मैं खिलाड़ी रहा हूं, 23 साल मैं सेना में रहा हूं, मैं शूटर भी रहा हूं, मैंने इतनी गोलियां चलाई है, मेरे को सुनता थोड़ा सा कम है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा, तेज बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? कुछ बोला था, कुछ बोला था। प्रधानमंत्री किसको बनाना है? तो सभा खत्म कर देते, तो इसके बाद सभा करने की क्या जरूरत है, सब प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं ना। देखिए 23 साल सेना में रहकर और 16 साल की उम्र से मैं सेना में चला गया था, इतने वर्षों बाद, वैसे मैं राजस्थान से आया हूं और राजस्थान में जयपुर ग्रामीण मेरी लोकसभा सीट थी पिछले 5 साल, अभी फिर से वही चुनाव लड़कर आया हूं और निश्चित रूप से जीतेंगे वहां पर भी, निश्चित रूप से राजस्थान और पूरे भारत में जीतेंगे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, मैंने सेना में बहुत बड़े बड़े जनरल को देखा है और जबरदस्त जनरल्स को देखा है, मैंने खेलों में देश में और विदेश में धुरंधर खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। एक व्यक्ति जो दूर तक सोच सकता हो कि देश को कहां ले जाना है, और देश मतलब एक एक परिवार, और इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा वो है जिसके पास आज तक साधन नहीं पहुंचे, इस देश का बड़ा हिस्सा वो है जिन युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। मैं देखता हूं इन नौजवानों को,
इनमें वही जज्बा दिखाई देता है जो भुज में या गौतम गंभीर में। भाई बहन और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो आज इस पार्टी को देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने जा रहे हैं, केवल दलिया खिचड़ी और पानी पे जीवित है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो 18 घंटे कार्य कर रहा है, हम अपने दिन का एक घंटा देश के लिए निकालें, भारत देश के लिए निकालें। महिलाओं की बहुत ज्यादा संख्या है और महिलाओं का जो रुझान है, आपका भी शामिल होएंगे। ऐसे सब लोगों से निवेदन करेंगे कि आज देश को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की। तो आइए एक नारे के साथ हम सब हाथ उठा करके नारे लगाएंगे और मोदी जी को विश्वास दिलाएंगे कि आप गौतम गंभीर जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। भारत माता की जय। एक बार और, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूंगा हमारा सांसद कैसा होगा, आपने कहना गौतम गंभीर जैसा। हमारा सांसद कैसा हो, गौतम गंभीर जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रामचरण भाई का। जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करेंगे, बहुत अच्छे। अब हमारे बीच में अगले वक्ता है प्रेमचंद गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष है त्रिलोकपुरी वेस्ट। वो आएंगे, अपने विचार रखेंगे। बीच बीच में हमारे बीच में जितने भी साथी आ रहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। किशन डेडा जी भी आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और राजीव जैन जी, आचार्य निकेतन जी से, न्यू अशोकनगर से मुकेश जी, इतनी गुजारिश करूंगा कि उस ईमानदार भाई को जुझारू जो इस देश के लिए हमेशा खड़ा रहा, अड़ा रहा और लड़ता रहा, खाली खेल के मैदान पे नहीं, समाज के काम के लिए भी वो अड़ा रहा।